तो दोस्तों फाइनली हमने आके पहुँचे हैं भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर में आज हम घूमने वाले हैं जयदेव वाटिका, और इसका पूरा व्यू लेंगे किस तरह से जयदेव वाटिका दिखता है, इसके अंदर का पूरा व्यू लेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और ये दोस्तों भुवनेश्वर में आता है, आप कभी खंडगिरी आते हो, उदयगिरी आते हो घूमने के लिए, तो उसी के पास में ही है जयदेव वाटिका, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। हमने यहाँ पे आए हैं जयदेव वाटिका में, सबसे पहले आपको यहाँ पे टिकट करना पड़ेगा, आप फिर ऑनलाइन में या तो ऑफलाइन में, दोनों में टिकट यहाँ पे अवेलेबल होता है, आप किसी में भी कर सकते हो। यहाँ पे पर्सन के लिए अलग से और बाइक के लिए अलग से और कैमरे के लिए अलग से टिकट यहाँ पे लगता है। आप फोटो करते हो, फोटो के लिए भी टिकट यहाँ पे लगता है, वीडियो करते हो तो वीडियो के लिए भी यहाँ पे टिकट लगता है, अलग अलग सब पैसा यहाँ पे देना पड़ता है। तो हमने टिकट काटने के बाद यहाँ पे अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद दोस्तों हमको पूरा व्यू दिखाएंगे कैसे दिख रहा है ये। सबसे पहले हमने अंदर एंट्री कर चुके, बाइक को एक साइड में खड़ी कर दिया, खड़ी करने के बाद दोस्तों आप लोगों को दिखाएंगे इसका व्यू जो है किस तरह से दिख रहा है। हमने आके पहुँचे एक पहाड़ के ऊपर, सीधा पहाड़ में आए, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को इसका व्यू दिखाएंगे ऊपर से कैसा दिख रहा है। दोस्तों अब देखिएगा यहाँ पे तो बड़े बड़े पत्थर है, यहाँ पे यहाँ से देखते हैं तो झरना है, वहाँ से आ रहा है लोग, यहाँ पे साइड में भी है, कुछ काम कर रहे हैं शायद ये। ये लोग जो है ये पार्क को साफ सफाई करने में लगे हुए हैं, लेकिन ठीक है। अभी देखिए इसका जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा लग रहा है, जब आप लोग आओगे और रियल में देखोगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा इसका नज़ारा। तो अब क्या करते हैं, अब चलते हैं, एक सीढ़ी है जिसमें ऊपर चढ़ेंगे, और ऊपर चढ़ने के बाद हम वहाँ से व्यू लेंगे कि पूरा पार्क जो है दिखाएंगे कैसे दिख रहा है वहाँ से। तो जो सामने जो सीढ़ी दिख रहा है उसमें अब चलते हैं हम, वो टावर की तरह है एक ऊँचाई में, तो उसमें चढ़ेंगे तो पूरा पार्क का व्यू दिखेगा हमें, किस तरह से लुकिंग आ रहा है इसका हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे अभी। तो दोस्तों अभी ऊपर चढ़ने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है पूरा भुवनेश्वर, आप देख सकते हो इस टाइप का दिखेगा आप लोगों को। ये पूरा बगीचा है जो पार्क का, फुहारा लगा हुआ है वहाँ पे, स्टाइलिश में पानी निकल रहा है, और ये जो हमने नीचे से दिखाए थे झरना वही है। अब यहाँ से ऊपर से देखने के बाद अब चलते हैं नीचे, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं और क्या चीज़ है इसमें देखते हैं। और आप कभी आते हो तो अपने दोस्तों के साथ आना, यहाँ पे फीस्ट वगैरह भी लोग करते हैं, यहाँ पे आके पार्टी वगैरह होता है, पार्टी वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हो आप लोग, तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया प्लेस है ये। बाकी आप लोग जब भी आते हो खंडगिरी या तो उदयगिरी घूमने के लिए, एक खंडगिरी जिस साइड में पहाड़ है उसी साइड में जयदेव वाटिका है, तो उसमें आप आओगे खंडगिरी से थोड़ा सा आगे लेफ्ट टर्न लोगे तो आपको जयदेव वाटिका वहाँ पे मिल जाएगा। चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमने के बाद अब चलते हैं आगे, देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो झरना किस तरह से ऊपर से आ रहा है, पूरा नीचे तक पानी गिर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फोटो वगैरह लोगे तो बहुत ही मस्त गजब लगता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे है जो कि टेंट वगैरह भी लगा के यहाँ पे पार्टी वगैरह मना रहे हैं, आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो। कभी घूमने के लिए आओगे ऐसे तो ना करो, लेकिन यहाँ पे घूमने आओगे तो माइंड तो फ्रेश हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। हम आपको इस जो पार्क है इसका पूरा रिव्यू दे देंगे, बाकी अगर पार्क आप लोग अच्छा लगता है तो आप लोग यहाँ पे आके घूम सकते हो, देख सकते हो, या पिकनिक भी मना सकते हो यहाँ पे। चलो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, अब आप लोगों को दिखाते हुए। यहाँ पे एक ब्रिज टाइप का बना हुआ है, जो झरना का पानी आता है ना इसके नीचे से जाता है और ऊपर एक ब्रिज टाइप का बना हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, तो इसमें आप उस साइड में जा सकते हो, फोटो वगैरह ले सकते हो। बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पे, ऐसा लगेगा कि आप कहीं बाहर में हो, आउट ऑफ उड़ीसा हो, इस टाइप का लगेगा आपको यहाँ पे आने के बाद। चलो अब यहाँ देखने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो झरना है वहाँ से निकल रहा है, वो देखे वहाँ से पानी गिर रहा है और वहाँ जा रहा है यहाँ से, ये जो नहर टाइप का बना हुआ है यहाँ पे सब पानी इकट्ठा हो रहा है। अब ये सीन जब आप पास में देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद आकाश मल्ली जैस्मिन,
ये लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ था उड़िया में, और साथ में आपको इंग्लिश में भी लिखा मिल जाएगा। आप कभी आउट ऑफ स्टेट से आते हो उड़ीसा, तो यहाँ पे लैंग्वेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग हिंदी जानते हैं। और साथ में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा मिल जाएगा, जितने भी शॉप वगैरह है सब वहाँ सारे शॉप में इंग्लिश में लिखा मिलेगा आप लोगों के। यहाँ पे उड़िया और इंग्लिश दो लैंग्वेज यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, लेकिन बात अगर हिंदी में करोगे तो हिंदी में सब समझते हैं, यहाँ पे उड़िया समझते हैं, इंग्लिश भी लोग समझते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज में कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। चलो, ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ में जो पत्थर है, ये पत्थर को खोद खोद के ये सब मूर्तियाँ बनाया गया है हाथ से, देख सकते हो कितने सुंदर मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसके नीचे उड़िया में लिखा हुआ था। बाकी ये कौन सा पेड़ है, कौन सा फूल है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या नाम है इसका। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे बगीचा भी बनाया हुआ है, इसका नाम आप ज़रूर कमेंट करना क्या बोलते हैं इसको। और यहाँ पे आपको छोटा सा दुकान मिल जाएगा, हम दुकान में चलते हैं। थोड़ा थोड़ा बारिश भी शुरू हो गया है, इसलिए हम दुकान में आ गए। यहाँ पे एक छोटा सा रियल जूस लेंगे, पियेंगे, फिर घूमेंगे। चलो देखते हैं दुकान में क्या क्या चीज़ है, थोड़ा बहुत रिव्यू ले लेते हैं। अब दोस्तों बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, अब क्या करेंगे, थोड़ा बहुत दुकान में चक्कर लगाएंगे फिर निकलेंगे, जब बारिश बंद हो जाएगा या तो कम हो जाएगा थोड़ा सा फिर निकलेंगे। यहाँ पे आपको दुकान का प्राइस भी मिल जाएगा, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। अब दोस्तों निकलते हैं, बारिश थोड़ा थोड़ा कम हो गया, बंद हो गया, बूंद बूंद गिर रहा है। चलो अब थोड़ा निकलते हैं, बारिश में भी ये और अच्छा लग रहा है यहाँ पे पार्क जो है। और आज का तो घूमना फिरना इतने में बंद कर देंगे, क्योंकि बारिश हो गया। अब थोड़ा बारिश बंद होने के बाद हमने दोबारा आए, दोबारा आने के बाद ये आपको रिव्यू दे रहे हैं दोस्तों। ये जो पानी का नहर ऊपर से झरना गिर रहा है, नहर से जा रहा है, ये मस्त प्लेस है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग फोटो वगैरह लेने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ पे लोग रील्स बनाते हैं, यहाँ के यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, और कोई भी सीरियल वगैरह शूटिंग करते हैं यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया जगह है यहाँ। आप कभी भी आते हो तो ये जगह को मिस मत करना, बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे। बाकी मैंने वीडियो में आप लोगों को पूरा घूम के दिखा दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग यहाँ पे आके घूम सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में इस तरह का और बहुत बहुत बढ़िया वीडियो जगह का लेके आऊँगा मैं, और बहुत अच्छे अच्छे जगह का वीडियो लेके आऊँगा, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा वीडियो को। तो आप लोग इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एंजॉय कीजिए वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।